हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आपको पता है अभी गणेश फेस्टिवल आ रहा है, वो सबका फेवरेट फेस्टिवल होता है, मेरा भी वैसे है। तो गणेश फेस्टिवल में हम लोग क्या करते हैं, गणपति जी की आइडल लेके आते हैं, उसकी स्थापना करते हैं, डेकोरेशन होता है घर में, गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करने के बाद उसकी पूजा होती है। तो चलो अभी पहले स्टेप से स्टार्ट करते हैं, गणेश जी की आइडल लाने चलते हैं। घर से निकलकर हम लोग गणपति की मूर्ति जहाँ पे मिलती है वो स्टॉल पे गए। वहाँ पे बहुत सारी गणेश मूर्तियाँ थी, साइज़ में डिफरेंट, कलर में डिफरेंट, डिफरेंट डिफरेंट शेप की, छोटी बड़ी, शाडू माटी की बनी हुई बहुत सारी खूबसूरत मूर्तियाँ हम लोगों ने वहाँ पे देखी। तो चूज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था, स्टॉल में काफ़ी लोग थे, भीड़ थी, लोग वहाँ पे गणपति की मूर्तियाँ चूज करने आ रहे थे। और कुछ बाल गणेश के रूप भी वहाँ पे थे, वो बहुत प्यारे लग रहे थे, बट हम लोगों की रिक्वायरमेंट काफ़ी डिफरेंट है। हम लोगों को बड़ी मूर्ति अच्छी लगती है और हमारे ऑर्नामेंट्स उसके हिसाब से है, तो हम लोग बड़ी मूर्ति लेना हमेशा प्रेफर करते हैं। वहाँ पे लालबाग का राजा भी था। ही पहा दगड़ूशेठ की मूर्ति कितनी सुंदर है। ये तीन गणेश जी की आइडल हमें बहुत अच्छी लगी, तो हम लोगों ने इसको शॉर्टलिस्ट करके साइड में रखने के लिए बोला। फाइनली ये येलो कलर की धोती वाली गणेश जी की मूर्ति हम लोगों ने बुक कर दी। हाँ लगे जबाबदारी संपती ना है। अभी जो हम लोगों ने मूर्ति बुक की है वो घर लेके जा रहे हैं, बट उससे पहले उसकी पूजा होगी। हल्दी कुमकुम चढ़ा के हम लोग उसकी पूजा करेंगे और उसको घर लेके जाएंगे। बप्पा मोरिया। घर के अंदर मूर्ति लाने से पहले भी हम लोगों ने उसकी पूजा की और मूर्ति घर में आ गई। मुझे डेकोरेशन करना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने गणपति के डेकोरेशन की जिम्मेदारी ली। और ये देखिए मेरा काम।
वाह विप्रा वाह, थैंक यू। आप देख सकते हो हम लोगों का गणपति का डेकोरेशन रेडी हो गया है। हम लोग अभी गणेश चतुर्थी की राह देख रहे हैं जो कल है। सो स्टे ट्यून्ड।